हेलो, वेलकम टू द चैनल अगेन, दैट इज़ बीइंग परसिस्टेंट। सो फर्स्ट हमने देखे क्लासिकल थ्योरी, सेकंड हमने देखे न्यू क्लासिकल थ्योरीज, एंड अभी थर्डली हम देखेंगे मॉडर्न थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, अभी अगर आप चैनल पे नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन जो नए वीडियो आएंगे उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। सो मॉडर्न थ्योरी मीन्स व्हाट, कि इसको हम मतलब जो भी पहले जो थ्योरीज है उसकी स्टडी करने के बाद उसमें जो भी कमियां हैं तो उसको एक अच्छा डायरेक्शन देके, ठीक है, उसको कंसिडर करके उस पर और ज़्यादा मेहनत लेके जो थ्योरी बनाई गई थी वो थी मॉडर्न थ्योरी। सो इन द वर्ड्स ऑफ WG Scott, द डिस्टिंक्टिव क्वालिटीज ऑफ मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी आर इट्स कंसेप्चुअल एनालिटिकल बेस। मीन्स ये बहुत ही अच्छे तरीके से एनालाइज किया गया था, ठीक है, इसके जो मेन फाउंडेशन था वो बहुत ही क्लियर और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसको बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज करने के बाद बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद इट्स रिलायंस ऑन एम्पिरिकल रिसर्च डेटा, मतलब ये ऐसे ही जस्ट पिछला जो लिटरेचर रिव्यू है या फिर जो भी पिछली जो स्टडी है उसके बेसिस पे ये नहीं बनाया गया, तो इस पर एम्पिरिकल रिसर्च मतलब इस पर एक्सपेरिमेंट्स करके, ठीक है, उसके बाद जो भी मतलब रिजल्ट्स निकल के आए उसका रिसर्च करके जो डाटा आया उसके बेसिस पे ये बनाई गई। एंड इट्स इंटीग्रेटिंग नेचर, इंटीग्रेटिंग नेचर मीन्स व्हाट, कि जो पिछली थ्योरीज थी उसको भी इसने कंसिडर किया, इंटीग्रेट किया, मतलब सब एस्पेक्ट जो है वो कंसिडर करने के बाद ही ये थ्योरी बनाई गई। द थ्योरी ट्राई टू ओवरकम ड्रॉबैक्स, मतलब जो कमियाँ थी पिछली थ्योरीज में इससे, तो वो इसने दूर करने की कोशिश की। इट हैज़ टू अप्रोचेस, पहला अप्रोच तो है, अभी हम इस पार्ट में सिस्टम अप्रोच मतलब जो पहला अप्रोच है वो देखेंगे, और सेकंड में कॉन्टिजेंसी अप्रोच सेकंड पार्ट में देखने वाले। सो जो सिस्टम अप्रोच था वो किसने डेवलप किया था, चेस्टर बर्नार्ड, ये आपको ध्यान में रखना होगा कि चेस्टर बर्नार्ड जो था और हर्बर्ट साइमन और उसके जो कलीग्स थे उन्होंने ये थ्योरी या ये पहला जो अप्रोच है वो डेवलप किया था। अप्रोच कंसिडर ऑर्गेनाइजेशन एज होल रैदर देन पर्टिकुलर एस्पेक्ट, मतलब ये कैसे देखता था ऑर्गेनाइजेशन को, मैक्रो पर्सपेक्टिव से, जैसे हमने देखा था माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, उसी तरीके से जो सिस्टम अप्रोच है वो कैसे देखता है ऑर्गेनाइजेशन को एज अ होल करके, मतलब टुकड़ों टुकड़ों में ना देख के एज अ होल वो कंसिडर करता है। सिस्टम मीन्स वॉट, कि एक सपोज करो हमारा जो देश है, ठीक है, हमारी देश की सिस्टम कैसी है, प्रॉपर मतलब हाईएस्ट अथॉरिटी है गवर्नमेंट, उसके बाद गवर्नमेंट के बाद फिर जो उसके अंडर जो मिनिस्ट्रीज है वो आती है, मिनिस्ट्रीज के बाद जो भी मतलब जो जो मिनिस्टर्स है या फिर जो जो स्टेट असेंबलीज, ठीक है, उसके बाद जो सिटी एरिया, उसके बाद विलेज एरिया, ऐसे करके करके मतलब हमारा देश पूरा बनाए, तो वो कैसे देखता है ये सिस्टम अप्रोच, पूरा एज अ नेशन होल नेशन ऐसे पर्सपेक्टिव से देखता है। तो कंपनीज में भी ऐसे होता है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को देखा जाता है, ना कि अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स उसके जो सेक्शंस पड़े हैं उसको कंसिडर नहीं किया जाता, क्योंकि जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी है अलग अलग पार्ट्स में हम हमारी ज्वाइन करने के बाद वो बनी है, तो वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन का भी है। ऑर्गेनाइज्ड प्रोसीजर मतलब ये एक एकदम डिसाइडेड और ऑर्गेनाइज्ड प्रोसीजर है, ठीक है, इसको ऐसे भी पहले परचेस नहीं किया जाता या फिर पहले प्रोडक्शन किया नहीं जाता, ठीक है, पहले रॉ मटेरियल परचेस करते हैं, फिर प्रोडक्शन, फिर उसके बाद पैकेजिंग, स्टोरिंग इन द वेयर हाउस, आफ्टर देन डिस्ट्रीब्यूटिंग, ठीक है, उसके पहले प्रमोशन, ऐसे ऑर्गेनाइज्ड तरीके से ऑर्डरली मैनर में ये सिस्टम चलती है। ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डिवाइडेड इनटू वेरियस डिपार्टमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग डिपार्ट में डिवाइड हो जाती है, जिसको क्या बोलते हैं डिपार्टमेंट्स, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एडवर्टाइजमेंट, रिसर्च डिपार्टमेंट, ऐसे नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स देयर आर इन द ऑर्गेनाइजेशन। डिपार्टमेंट्स आर डिपेंड अपॉन ईच अदर फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी इन द वर्क, क्योंकि पहले रॉ मटेरियल परचेस किया जाएगा, ठीक है, सो इस केस में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट किसके ऊपर डिपेंड है, रॉ मटेरियल, देन प्रोडक्शन होने के बाद
वो किसके लिए भेजा जाएगा, पैकेजिंग के लिए। सो पैकेजिंग डिपार्टमेंट जो है, या फिर हम डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट बोल सकते हैं, तो ये किस पे डिपेंड है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पहले उसका प्रमोशन किया जाएगा, ठीक है। सो प्रमोशन डिपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड है, ठीक है। और हम ऐसा देख सकते हैं कि ये सारे डिपार्टमेंट्स पहले फाइनेंस डिपार्टमेंट पे भी उतनी ज़्यादा डिपेंड है, क्योंकि फाइनेंस के अलावा कोई भी एक्टिविटी नहीं हो पाएगी, ठीक है। सो ये एक दूसरे पे डिपेंड है, इसलिए इसको होल एज अ होल कंसिडर करते हैं। अभी इसमें कुछ कंसेप्ट हैं इम्पॉर्टेंट, वो यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो पहला है सब सिस्टम। सब सिस्टम मतलब क्या, कि अगर सपोज़ करो एक ऑर्गेनाइजेशन में एक फाइनेंस डिपार्टमेंट का हम एग्जांपल लेते हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट के बाद ये फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वो कहाँ पे आता है, फर्म में आता है। फर्म कहाँ पे आती है, एक पर्टिकुलर सिटी या इंडिया में आती है। इंडिया कहाँ पे आता है, वर्ल्ड में आता है, ठीक है। सो वर्ल्ड ये एज अ होल है, और इसका जो सब सिस्टम है ये क्या है, इंडिया। इंडिया का सब सिस्टम क्या है, फर्म। फर्म का सब सिस्टम क्या है, फाइनेंस डिपार्टमेंट। क्लियर, ओके। अभी जो है यहाँ पे ओपन एंड क्लोज एंडेड सिस्टम होती है, मतलब कुछ सिस्टम्स ओपन होती है या क्लोज, इसके बारे में हम समझते हैं, ठीक है। सो ओपन एंड क्लोज इसका मतलब क्या, कि एनवायरनमेंट जो है ना हमारा, मतलब हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बाहर जो एनवायरनमेंट है या अंदर जो एनवायरनमेंट है, मतलब अंदर जो एनवायरनमेंट मतलब कि जो इंटरनल मैनेजमेंट है, एम्प्लॉइज़, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कलीग्स, ठीक है, मैनेजर्स, ये सारे लोग। और जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसमें कॉम्पिटिटर्स, कस्टमर्स, सप्लायर्स, क्रेडिटर्स, ठीक है, क्लाइंट्स एक्सेट्रा, ये सारे बैंक इंस्टीट्यूशंस, तो ये सारे आते हैं। तो क्लोज मतलब क्या, कि नो इंट्रैक्शन विथ द एनवायरनमेंट, मतलब ये कैसा होता है। हम गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एनवायरनमेंट कैसा रहता है, क्लोज, मतलब यहाँ पे ओनली रूल्स, रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज़ के बेसिस पे जो फ्रेम की गई है उसी के बेसिस पे जो सारा सिस्टम है वो चलता है, और वहाँ पे ज़्यादातर एक्सटर्नल या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का इंटरफेरेंस नहीं रहता है, ठीक है, क्लोज एनवायरनमेंट रहता है। लेकिन वही ओपन एनवायरनमेंट में क्या रहता है पर्टिकुलरली, कि सपोज़ हमने एक बिज़नेस स्टार्ट किया, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस या प्राइवेट बिजनेसेस होती है, कंपनीज होती है, तो सपोज़ करो एक बिज़नेस स्टार्ट हुआ, और स्टार्ट होने के लिए उन क्या करना पड़ेगा, पहले शेयर्स का जो है, शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे, ठीक है, कैपिटल रेज करने के लिए। तो हमारा जो इंटरेक्शन है वो किसके साथ आया, शेयर होल्डर्स या मेम्बर्स के साथ। उसके बाद हम बैंक इंस्टीट्यूशन से भी कैपिटल कलेक्ट कर सकते हैं, तो ये भी क्या हुआ, एक एक्सटर्नल फैक्टर हो गया, ठीक है। देन कॉम्पिटिटर से भी हमारा इंटरेक्शन होता है। देन उसके बाद क्लाइंट्स, अलग अलग प्रोजेक्ट्स लेके जो आते हैं उनके साथ इंटरेक्शन होता है, ठीक है। इंटरनल मैनेजमेंट जो होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से कुछ डिसीजंस आते हैं उनको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। वर्कर्स को कुछ ऑर्डर्स देने पड़ते हैं, सजेशंस देने पड़ते हैं, सुपरवाइज करना पड़ता है, ये सारा। तो ये क्या है, ओपन सिस्टम, मतलब कि दोनों एक्सटर्नली और इंटरनल एनवायरनमेंट के साथ इनका करस्पॉन्डेंस चलता है। सिस्टम अप्रोच फॉलोज ओपन सिस्टम एंड टेक इनपुट्स फ्रॉम एनवायरनमेंट एंड गिव आउटपुट्स टू एनवायरनमेंट। सपोज एक्सटर्नली एक प्रोडक्ट हमें प्रोड्यूस करना है, तो हमने क्या किया कि एक होलसेलर से, मैन्युफैक्चरर से रॉ मटेरियल परचेस किया, ठीक है। ये क्या हुआ, हमारा इनपुट हुआ, और वो परचेस करने के बाद हमने उस रॉ मटेरियल से क्या बनाया, एक प्रोडक्ट बनाया। सपोज शुगर बनाई, ठीक है, शुगर बनाई शुगर केन से, तो ये शुगर जो हम बेचेंगे मार्केट में, तो वो क्या हो गया, आउटपुट हो गया, और फिर हमें उससे क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो ये भी हमारा क्या हुआ, एक इनपुट हो गया। तो ये एक्सचेंज चलता रहता है, ठीक है, इंटरनली और एक्सटर्नली क्या चलता रहता है, एनवायरनमेंट के साथ हमारा एक्सचेंज चलता रहता है, इंटरेक्शन या करस्पॉन्डेंस चलता रहता है, इसको बोलते हैं ओपन सिस्टम। तो ये सिस्टम अप्रोच फॉलो करता है, यहाँ पर क्लोज सिस्टम नहीं होता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं सिनर्जी, ओके। सो सिनर्जी मतलब क्या, कि कोऑपरेशन के साथ काम करना, ठीक है, मतलब कि एक दूसरे डिपार्टमेंट जो है अलग अलग उनके साथ कोऑपरेट करके एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट के सिनर्जी के साथ काम करना, ठीक है। टुगेदर इन अ पर्टिकुलर फ्रूटफुल वे टू प्रोड्यूस ग्रेटर इफेक्ट दैन सम ऑफ देयर इंडिविजुअल इफेक्ट्स। ये बात सही है कि अगर इंडिविजुअली काम करेंगे तो जल्दी जल्दी होता है, ठीक है, डिले नहीं होता किसी भी काम में, बट इस मतलब इसका लिमिटेशन भी है कि अगर इंडिविजुअली काम करेंगे तो आउटपुट निकल के आएगा वो क्या होगा, एकदम इफ़िशियंट होगा, क्योंकि यहाँ इसमें जो सारे लोग हैं उनकी मेहनत लगी होगी, ठीक है। सिस्टम बाउंड्री, सिस्टम बाउंड्री में क्या बताया गया है, कि लाइन दैट सेपरेट्स द सिस्टम फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट इज बाउंड्री, मतलब कि जो बाहर का एनवायरनमेंट है उसके और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जो बाउंड्री है उसको क्या बोलते हैं, सिस्टम बाउंड्री।
रिजिड बाउंड्री जो कहाँ पे फॉलो होती है, क्लोज सिस्टम में फॉलो होती है, क्योंकि सपोज गवर्नमेंट, जो हमने एग्जांपल लिया था गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस का, तो वहाँ पे रूल्स एंड पॉलिसीज के बेसिस पे ही वो सिस्टम चलता है, इसलिए वहाँ पे क्लोज सिस्टम रहती है। तो वहाँ पे बाउंड्री कैसी हुई, रिजिड बाउंड्री, क्यों, क्योंकि वहाँ पे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जो एनवायरनमेंट है वहाँ पे ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होता। और फ्लेक्सिबल बाउंड्री मीन्स जहाँ पे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी, डायनामिज्म रहता है, ठीक है, तो वहाँ पे ओपन सिस्टम होती है। हेल्प्स मैनेजर विच पार्ट ही कैन बेटर कंट्रोल और विच ही कैन नॉट, मतलब यहाँ पे ये मैनेजर को हेल्प करती है ये समझने में कि वो क्या कंट्रोल कर सकता है और क्या नहीं कंट्रोल कर सकता, क्योंकि हर एक दिन ब दिन मतलब कॉम्पिटिटर्स बढ़ते रहते हैं, ठीक है। हमने कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बनाया हो लेकिन दूसरा कॉम्पिटिटर आ ही जाता है, तो ये हम कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि हम कॉम्पिटिटर को रोक नहीं सकते, क्योंकि हर एक को अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का राइट है, ठीक है। तो हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं कि हम किस तरह से मार्केट रिसर्च करके हमारा प्रोडक्ट जो है वो बेस्ट बना सकते हैं, जैसे कि जियो ने किया, कि उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे सिम तो थे ही, ठीक है, लोग मतलब बहुत सारे सिम्स यूज़ करते थे, लेकिन अभी बहुत रेयरली मतलब मल्टीपल सिम्स यूज़ करते हैं लोग, क्योंकि जियो ने पहले क्या किया कि कस्टमर्स का जो ट्रस्ट है वो गेन किया, ठीक है, पहले उन्होंने फ्री में उन्होंने सिम डिस्ट्रीब्यूट किए, बाद में एक बार कस्टमर्स को उसकी आदत पड़ने के बाद कस्टमर्स ने क्या किया, जियो को ही कंसिडर किया, ठीक है, जियो को ही ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया। तो ये होता है, तो मतलब यहाँ पे बताना ये था कि जो मैनेजर है वो क्या कंट्रोल कर सकता है, हमारी जो इंटरनली जो वो कंट्रोल सकता है, जैसे कि कम कॉस्ट लगा सकता है प्रोडक्ट पे, ठीक है, अच्छी से अच्छी टेक्निक्स यूज़ करके कम कॉस्ट में वो प्रोडक्ट बेच सकता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर अट्रैक्ट हो जाए, ठीक है। तो ये एग्जांपल हो सकता है। सो उसको ये पता चलता है कि मैं क्या कंट्रोल कर सकता हूं और क्या नहीं कंट्रोल कर सकता, तो जो कंट्रोलेबल फैक्टर्स है उस पे वो ज़्यादा ध्यान देता है। ही कैन नॉट चेंज गवर्नमेंट पॉलिसीज बट कैन रिमूव इनफिशियंट वर्कर्स, ऑब्वियसली गवर्नमेंट जो पॉलिसीज रहती है प्राइस रिलेटेड रहती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिलेटेड, ठीक है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन ये सारा कुछ चलता रहता है, अनसर्टन सिचुएशंस आती रहती है, तो वो ये जो सिचुएशंस है, ठीक है, जो सडन एकदम से आती है, ठीक है, जैसे अभी पैंडेमिक कोरोना वायरस का जो इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा, तो ये जो सिचुएशंस है वो मैनेजर के कंट्रोल में नहीं है, तो वो क्या करेगा फिर, बट कैन रिमूव इनफिशियंट वर्कर्स, जो इफिशियंटली काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जिसपे अननेसेसरीली उनको सैलरी देनी पड़ रही है, ठीक है, बट प्रोडक्शन कुछ भी नहीं हो रहा है, तो उनको वो निकाल सकता है। तो पता चला कि सिस्टम बाउंड्री क्या है। ओके, वेरी गुड। सो अभी फीडबैक में बताया गया है कि रिस्पॉन्स विच कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव, मतलब कि अगर मैनेजर की ऑर्गेनाइजेशन जो है, ठीक है, तो वो अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट हर कोई ऑर्गेनाइजेशन देने पे ध्यान देती है, ठीक है, बट फिर भी कभी कभी क्या होता है कि कस्टमर उतना सेटिस्फाइड नहीं हो पाता प्रोडक्ट से, ठीक है, जितने जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ती है वैसे वैसे और ज़्यादा मैनेजर को ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स लेने पड़ते हैं, तो कभी कभी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है या कभी निगेटिव। पॉजिटिव आ जाए तो वेल एंड गुड, मैनेजर को मोटिवेशन मिलता है, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेशन मिलता है, बट निगेटिव मोटिवेशन आने से मैनेजर को क्या करना पड़ता है, और ज़्यादा स्टडी करनी पड़ती है और ज़्यादा रिसर्च करना पड़ता है कि कहाँ पे कमी है प्रोडक्ट में, ठीक है, और कौन सी स्ट्रैटेजीज यूज़ की जाए जिससे जो हमारा प्रोडक्ट है वो कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाइड हो, ठीक है, और हमारा गुडविल बढ़े। तो यहाँ तक जो था वो हम सिस्टम अप्रोच के बारे में देखा, जो कॉन्सेप्ट्स थी इंपॉर्टेंट। तो अभी हम इसके फीचर्स देखेंगे कुछ, ठीक है। जो सिस्टम अप्रोच है वो क्या है, हायरार्की ऑफ सब सिस्टम, मतलब जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स है वो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में काम करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है, जो प्लैनेट है वो किसका पार्ट है, सोलर सिस्टम, जो हमारा अर्थ है वो पार्ट है सोलर सिस्टम का, सोलर सिस्टम गैलेक्सी का पार्ट है, गैलेक्सी हेवनली बॉडीज़ का पार्ट है, और हेवनली बॉडीज़ किसका पार्ट है, यूनिवर्स, ऑल ओवर यूनिवर्स, ठीक है। तो ये जो यूनिवर्स है एज अ होल, ये आप इसको किसके साथ कनेक्ट कर सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और ये जो बाकी के सब पार्ट्स है ये बाकी के डिपार्टमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट है इंटर रिलेटेड इंटर डिपेंडेंट, सब सारे डिपार्टमेंट्स मैंने जैसे पहले बताया कि वो क्या है, एक दूसरे पे डिपेंड है, ठीक है, सिंगुलर मतलब सेपरेटली अगर वो काम करेंगे तो प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ पाएगी, ठीक है। बाउंड्री, अवेयरनेस अबाउट कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स, ऑब्वियसली जैसे कि मैंने सिस्टम बाउंड्री में बताया, तो बाउंड्रीज का पता चलता है कौन सी कंट्रोलेबल है, कौन से फैक्टर्स अनकंट्रोलेबल है, ठीक है। इनपुट आउटपुट प्रोसेस, ये कैसी है, हम एनवायरनमेंट से इनपुट लेते हैं और उसको आउटपुट देते हैं, तो ये एक तरह का एक्सचेंज प्रोसेस है। ओपन सिस्टम फॉलो होती है, जैसे कि हम एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, एक्सचेंज करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन पुट इफेक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट एंड अफेक्टेड बाय एनवायरनमेंट, मतलब सपोज करो एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं, ठीक है, अपनी प्रोडक्टिविटी देने की कोशिश करते हैं, और उसके बदले उन्हें क्या मिलती है, सैलरी मिलती है, ठीक है। सपोज एग्जाम्स में स्टूडेंट क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करते हैं, इनपुट दिया उन्होंने और उसके बाद उनको क्या मिला, आउटपुट के बेसिस पे उन्हें अच्छे तरीके से मार्क्स मिले, ठीक है। अडाप्टिव मीन्स चेंजिंग जो सिचुएशन है अलग अलग उसके साथ में हम खुद को ढालना, ठीक है, एक्सेप्ट करते हुए मूव ऑन करना, डायनामिक फ्लेक्सिबल जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, सिचुएशन के साथ साथ चलना, ठीक है। अगर ऐसे नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर हमारी फर्म और या फिर ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाएगी, कॉम्पिटिशन से पूरी तरीके से बाहर फेंक दी जाएगी। मल्टीडिसिप्लिनरी मीन्स अलग अलग जो डिसिप्लिन है, अलग अलग फील्ड्स है, उसमें ये जो अप्रोच है ये फॉलो होता है, ठीक है। एक ऐसा नहीं है कि सिर्फ इकोनॉमिक्स के ही फील्ड में या एजुकेशन के फील्ड में सिस्टम अप्रोच फॉलो होता है, हर एक आप सपोज
पढ़ाई भी अगर करनी हो तो आप क्या करते हो, सिस्टम से करते हो। तो ऐसे ही है, ये कहाँ पे है, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ऑपरेशन रिसर्च एंड मैथमेटिक्स, ये सारे डिसिप्लिन में फॉलो किया जाता है। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिस्टिक मीन्स कि यहाँ पे कुछ एग्जैक्ट रिजल्ट हम नहीं बता सकते, ठीक है। प्रोबेबिलिस्टिक मतलब कि हम यहाँ पे फॉरकास्ट तो कर सकते हैं कि हाँ पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल में कितना प्रॉफिट होगा या फिर फ्यूचर में हमें कितना ग्रो करना है, ये सारा हम फॉरकास्टिंग कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, बट एग्जैक्ट रिजल्ट हम नहीं बता सकते क्योंकि जो सिचुएशंस होती है वो अनसर्टन होती है और वो अफेक्ट करती है हमारे प्रॉफिट पे या फिर जो भी कुछ हमारा वर्किंग चल रहा है एक्टिविटीज़ पे अफेक्ट करती है। एग्जैक्ट रिजल्ट इज अननोन एंड अनसर्टन। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ एक्टिविटीज़, ऑब्वियसली ये इंटीग्रेट करके एक्टिविटीज़ को काम करती है सिस्टम, ठीक है। सिस्टम का मतलब ही है इंटीग्रेशन, ठीक है। बेस्ट यूज ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज, मतलब जो भी जहाँ पे भी अननेसेसरी एक्सपेंडिचर वेस्ट हो रहा है, ठीक है, अननेसेसरी एनर्जी वेस्ट हो रही है, तो उसका फुल्ली यूटिलाइजेशन कैसे किया जाएगा ये इसमें देखा जाता है, ठीक है। आई होप यहाँ पे आप, यहाँ तक आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो यहाँ तक हमने सिस्टम अप्रोच के बारे में देखा, नेक्स्ट पार्ट में हम कॉन्टीजेंसी अप्रोच देखेंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप ये आपको हेल्पफुल रहेगा एंड थैंक यू सो मच।